एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। ध्यान की अवस्था में योगी जन उस परम ब्रह्म को अपने भीतर साक्षात करते हैं। यह स्थान श्रावस्ती में बोधि वृक्ष है, करीब 2600 वर्ष पुराना। इसी वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान बुद्ध ध्यान किया करते थे। उनका विपश्यना ध्यान प्रसिद्ध है। विपश्यना ध्यान के विषय में थोड़ा सा आप सुने। विपश्यना का मतलब होता है सांसों पर विशेष रूप से ध्यान देना। कमर को सीधा रखते हुए और हाथों की ये मुद्रा जो आप देख रहे हैं, तर्जनी और अंगूठे को मिला के रखे हुए ये ध्यान मुद्रा है। और विपश्यना में यहाँ नाक के स्वरों पर जो सांस आता जाता है और उच्चता में ये मस्तक में पहुँचता है, केवल इतने स्थान पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ मस्तक में सूर्य चक्र प्रकाशमान रहता है और इस सांस को हम इस मस्तक में स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं ध्यान की अवस्था में। और बुद्धों में ओम मणि पद्मे हुम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम मणि पद्मे हुम, यानी मेरे भीतर जो कमल चक्र है मस्तक में, उसके मध्य में जो मणि है वो ही ब्रह्मांड का केंद्र है, आत्मा है, परब्रह्म है, ऐसा इसमें ध्यान किया जाता है। मैं ही ब्रह्म हूँ। वेद की ये मान्यता ही बुद्ध ने अपने पंथ में ग्रहण की। ये श्रावस्ती भगवान राम ने बसाई थी। इस श्रावस्ती में दो हिस्से थे, एक श्रावस्ती, दूसरा कुशावती। कुशावती में प्रभु राम के पुत्र कुश का राज्य था और श्रावस्ती में लव का राज्य था। ये परंपरा चलते चलते बाद में यहाँ का राजा बुद्ध के समय में प्रसेनजित हुआ। भगवान बुद्ध शाक्य वंश के थे और शाक्य लोग जो प्रसेनजित का जो वंश था उस वंश में अपनी पुत्रियों को देना पसंद नहीं करते थे, उनको हीन समझते थे। उससे चिढ़ के राजा प्रसेनजित ने अपने अंतःकरण में 500 शाक्य कुमारियों को रखा, रंगशाला में नृत्य गायन सेवा आदि कार्य उनसे कराते थे। और प्रसेनजित की जो पत्नी थी मल्लिका, किसी बात पर चिढ़कर उसने एक दिन उस रंगशाला में आग लगवा दी और वे 500 शाक्य कुमारियां उसमें जलकर मर गईं। यानी बुद्ध के जीवित रहते रहते ही यहाँ पर इतना हिंसात्मक कांड हुआ।
हिंसा की लपटें उठी। संसार में महापुरुष आते हैं शांति की स्थापना के लिए, किंतु मनुष्यों के कर्म उनके साथ साथ चलते हैं। फिर भी हम लोगों को अहिंसा का ही पालन करना चाहिए, विनम्रता का पालन करना चाहिए, सबकी सेवा के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। मानवता ही महान धर्म है। आज इस बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर संपूर्ण विश्व के लिए, विश्व शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे आदि पुरुष परमात्मा, इस संपूर्ण विश्व में शांति हो, सब जीव कल्याण को प्राप्त करें, कोई दुखी न हो। ये पृथ्वी, ये अंतरिक्ष, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये विद्युत, ये जल और मनुष्यों के हृदय में शांति का निवास हो। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। एक, तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।